एक्नी एक बहुत ही कॉमन स्किन प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग एक्नी की वजह से परेशान होते हैं। मुझे पता है कि आप भी एक्नी से छुटकारा पाना चाहते हैं। एक्नी को ट्रीट करने के लिए आप अलग अलग प्रोडक्ट्स या मेडिसिंस का इस्तेमाल करते होंगे। ये प्रोडक्ट्स या मेडिसिंस अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स बैक्टीरिया को मार के एक्नी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट्स स्किन का जो एक्सेस ऑयल होता है उसको निकाल के और कम करके एक्नी को कम करते हैं। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट्स आपके स्किन के लिए अच्छे होते हैं? इनके कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते हैं? आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मैं डॉक्टर धनराज चौहान, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, क्लियर स्किन एंड हेयर एमडी क्लिनिक्स पुणे से। तो आइए दोस्तों, हम आज डिस्कस करते हैं एक्नी को ट्रीट करने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स अच्छे होते हैं और इनका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। पहला इंग्रेडिएंट है बेंजोइल पेरोक्साइड, जिसके बारे में हम बात करेंगे। यह एक्नी को ट्रीट करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और इफेक्टिव ओवर द काउंटर इंग्रेडिएंट है। यह एक्नी-कॉजिंग बैक्टीरिया को मारता है और फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स जो होते हैं उनको रिलीज करके एक्नी को ठीक करने की मदद करता है। यह डेड स्किन सेल्स को निकाल के और पोर्स को अनक्लॉग करके अपने एक्नी को कम करने में मदद करता है। अलग अलग क्लींजर्स, लोशंस, क्रीम्स, जेल्स और स्पॉट ट्रीटमेंट्स में बेंजोइल पेरोक्साइड काफ़ी कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। इसके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से ऑयली स्किन के लिए यह बहुत फायदेमंद साबित होता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर इसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करते हैं तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इससे आपकी स्किन बहुत ड्राई हो सकती है या इरिटेट भी हो सकती है। स्किन पर रेडनेस, स्केलिंग दिखाई दे सकता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको इससे बर्निंग या स्टिंगिंग सेंसेशन हो सकता है। इसीलिए इसको बहुत केयरफुली यूज़ कीजिए। इससे कभी कभी आपके कपड़े या बाल ब्लीच यानी वाइट भी हो सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सैलिसिलिक एसिड। यह एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है, उस टाइप का प्रोडक्ट है जो बहुत इफेक्टिव और पावरफुल एक्सफोलिएंट की तरह काम करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है। बहुत सारे क्लींजर्स, स्पॉट ट्रीटमेंट्स और बीबी क्रीम जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और सेल्स के एक्सेसिव शेडिंग को भी रोकता है। यह जेंटल एक्सफोलिएटर की तरह एक्ट करता है। यह आपके स्किन का ऊपरी लेयर जो होता है यानी डेड स्किन लेयर जो होता है उसको निकाल देता है। ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जैसे जो माइल्ड एक्नी के टाइप्स है, इसके लिए सैलिसिलिक एसिड बहुत इफेक्टिव साबित होता है। अगर आपके स्किन पर रेड बम्प्स है तो सैलिसिलिक एसिड आपके लिए यूजफुल साबित होता है। लेकिन इससे सिंगिंग या स्किन इरिटेशन जैसे पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स वाला ग्रुप। चीफली दो टाइप के अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स यूज किए जाते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। इन एसिड्स को, जैसे ग्लाइकोलिक को शुगर कंटेनिंग फ्रूट से और लैक्टिक एसिड को मिल्क से निकाला जाता है। ये स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करने की मदद करते हैं। ये एसिड्स नई और स्मूदर स्किन बनाने में हेल्प करते हैं। इन्हें आप पूरे फेस पर लगा के वॉश करते हैं तो हेल्पफुल होता है। अलग अलग वॉशेस, पील्स, मॉइस्चराइजर, सीरम्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इनकी वजह से आपका स्किन सन डैमेज के लिए ज़्यादा ससेप्टिबल बन जाती है, मतलब ज़्यादा फोटोसेंसिटिव हो जाती है। इसीलिए इस ट्रीटमेंट के साथ सन प्रोटेक्शन करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। चौथा इंग्रेडिएंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है टॉपिकल रेटिनॉइक एसिड या रेटिनॉइड्स जिसको हम बोलते हैं। एक्नी को ट्रीट करने के लिए टॉपिकल रेटिनॉल जेल भी काफ़ी इफेक्टिव साबित होता है। यह नए एक्ने फॉर्म होने से प्रिवेंट करता है और आपके स्किन सेल्स का जो प्रोडक्शन होता है उसको स्टिम्युलेट करता है। 8 से 12 हफ्तों में इसके अच्छे रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। एक्नी को ट्रीट करने के लिए टॉपिकल रेटिनॉइड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों में मिक्स टाइप के एक्ने या इन्फ्लेमेटरी एक्ने होते हैं उनके लिए ये टॉपिकल रेटिनॉइड्स काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। टॉपिकल रेटिनॉइड्स के ओरल रेटिनॉइड्स की तरह सीवियर साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बट रेडनेस, इचिंग, ड्राइनेस जैसे साइड इफेक्ट जरूर हो सकते हैं। इसीलिए रेटिनॉइड्स लेने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना यूजुअली इम्पॉर्टेंट रहता है। पांचवा इंग्रेडिएंट है एजिलिक एसिड। एक्नी को कंट्रोल करने के लिए एजिलिक एसिड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
यह बहुत ही यूजफुल ट्रीटमेंट या प्रोडक्ट हम कह सकते हैं। पोस्ट एक्नी हाइपरपिगमेंटेशन स्पेशली जो होता है वो एजिलिक एसिड को बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करता है। एक ये अलग तरीके का ही अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है जो काफी सारे मेडिसिन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम देखेंगे जो काफी कॉमनली यूज किया जाता है वो है टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, डैप्सोन, मेट्रोनिडाजोल। ये बहुत अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स है जो हम एक्ने में यूज करते हैं। एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं इनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं और उसकी वजह से जो एक्ने होते हैं उनको रिजॉल्व कर देते हैं। इनका इस्तेमाल सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरह बहुत बार भी किया जाता है। अगर आपको बहुत दिनों से एक्ने है तो आपके नजदीक के डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट कीजिए। बहुत दिनों का नॉन रिस्पॉन्डिंग एक्ने आपका डॉक्टर एकदम अच्छे से ट्रीट कर सकता है, आपके जरूरत के अनुसार मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है वो। ये मेडिसिन आपके एक्ने का टाइप, आपके स्किन का टाइप, एक्ने की सीवियरिटी और आपके उम्र पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा मेडिसिन के साथ आपको कुछ सेल्फ केयर भी लेना होगा, खुद का लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। एक हेल्दी स्किन केयर रूटीन फॉलो कीजिए, आपके स्किन को क्लींस मॉइस्चराइज कीजिए, बाहर धूप में जाने से पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जिसका SPF अराउंड 30 है प्लस UVA प्रोटेक्शन भी जिसमें है उसको इस्तेमाल कीजिए। आपके स्किन में बार बार हाथों से ना छूइए, इससे आपके हाथ पे जो बैक्टीरिया है वो आपके मुंह पे ट्रांसफर हो जाते हैं और उससे एक्ने बढ़ जाते हैं। अपने एक्ने के पिंपल को हाथ से पॉप मत कीजिए या नाखून से स्क्रैच मत कीजिए, इससे आपका एक्ने और खराब हो जाता है, इससे दाग बढ़ जाते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें अच्छा डाइट, बैलेंस डाइट है वो फॉलो कीजिए। अपने खाने में हरी सब्जियां, फल, अंडे, चिकन, सी फूड, ऐसी सारी अच्छी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कीजिए। आपको सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इनके द्वारा मिल जाएंगे। जंक फूड, ऑयली फूड, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स इनको अवॉइड कीजिए। अगर आप अल्कोहल स्मोकिंग करते हैं तो जितना पॉसिबल है उतना उसको अवॉइड कीजिए, बंद कीजिए। अल्कोहल और सिगरेट से एक्ने एग्रेवेट होता है। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। ये लाइफस्टाइल चेंजेस एक्ने मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप एक्ने प्रोन स्किन केयर के बारे में और टिप्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो एक्ने के केयर के बारे में बोलते हैं, इनको देखिए। इस वीडियो के लिए मैं आपकी रजा लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।